लक्ष्मी सिंह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट न्यूज के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं सी लॉर्ड चैनल में। आइए ताजा खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। हे मांसहीन, हे रक्तहीन, हे अस्थिशेष, तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन। भारत में बापू को याद करते हुए आज मनाया जा रहा है शहीद दिवस। भारत की स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण नाम महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। आज के दिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य सरकारी गणमान्य राजघाट स्थित गांधी जी की समाधि पर जाएंगे तथा उन्हें याद कर माल्यार्पण करेंगे। बता दें कि 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1931 में इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई। बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष ने बुलाई बैठक। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज यानी 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए बुलाई गई है। बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत 1 फरवरी यानी सोमवार को राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन के साथ शुरू होगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट प्रस्तुत करेंगी। कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए संसद के सदनों की कार्यवाही अलग अलग शिफ्ट में चलेगी। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में खुशखबरी, बांग्लादेश को हरा भारत पहुंचा सेमीफाइनल में। शनिवार को अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश आमने सामने थे। भारत ने 5 विकेट से अपनी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब अगला मुकाबला 2 फरवरी को भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का होगा।